सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गो फैशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 21 नवंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जो आईपीओ है 17 से 22 नवंबर के बीच ओपन है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 655 से 690 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 690 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 21 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 10% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, दूसरे दिन तक का सब्सक्रिप्शन यहां पर हो चुका है और रिटेल कैटेगरी में दूसरे दिन तक बात करें तो करीब 24 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि यहां पर भी तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। और अगर आपको अपने अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से ही अप्लाई करना होगा। अब देखिए, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दूसरे दिन तक 6 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। अब देखिए, तीसरा दिन बाकी है और देखने वाली बात होगी कि यहां पर कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम करीब 500 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 690 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 500 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 1190 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि प्रीमियम में निचले स्तरों से गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम मात्र 220 रुपए के आसपास हुआ करता था और देखिए, ये बढ़कर डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले इसका प्रीमियम 580 रुपए के आसपास भी पहुंच गया था, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही पेटीएम के आईपीओ की लिस्टिंग हुई, जिसके कारण यहां पर मार्केट में प्रेशर बना और उसके कारण सभी आईपीओ के प्रीमियम थोड़ा सा इफेक्टेड जरूर हुए थे और इसका प्रीमियम भी 450 रुपए के आसपास तक चला गया था। लेकिन देखिए, निचले स्तरों से रिकवरी भी आई है, काफी बढ़िया तरीके से यह रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि यहां से भी प्रीमियम बढ़ने के आसार बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अभी एक दिन बाकी है, मेरा मानना है कि यहां पर लंबी अवधि के लिए तो अप्लाई करना ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ यहां पर लिस्टिंग गेन भी मिल रहा है। तो अगर देखिए आप रिटेल निवेशक हैं और लिस्टिंग गेन के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं, आईपीओज में पैसा लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिहाज से काफी बढ़िया आईपीओ हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए यहां पर पैसा लगाना आपको चाहिए। अब देखिए, यहां पर कंपनी की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं। 2010 में यह कंपनी बनी थी और तब से काफी बढ़िया कारोबार कंपनी ने किया है और कंपनी को काफी बढ़िया प्रॉफिट भी हुआ है। अगर 2021 के फाइनेंशियल को देखें तो ये थोड़ा सा कमजोर है, कंपनी को थोड़ा सा यहां पर लॉस होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसके पहले के जो फाइनेंशियल है वो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल हम कहें तो कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक है और मुझे लगता है कि आगे भी ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आएगी। कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी देखिए क्लॉथ्स बनाने का काम करती है और जो लेडीज होते हैं उनके बॉटम वियर बनाने का काम करती है। तो देखिए, कंपनी गो कलर्स के नाम से अपना ब्रांड चलाती है और निश्चित रूप से काफ़ी फेमस ब्रांड है और काफ़ी ज़्यादा पसंद लोगों द्वारा ये किया जाता है। तो काफ़ी बढ़िया ये आईपीओ हो सकता है, डेली अपडेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।